हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ कस्टर्ड, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए बनाते हैं, किचन की तरफ कस्टर्ड बनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको पहाड़ से रिलेटिव ऐसी चीज़ें देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि आपको पहाड़ से रिलेटिव वीडियो देखने को भी मिलेंगी और पहाड़ी रेसिपी भी आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो कस्टर्ड बनाना। तो दोस्तों, कस्टर्ड बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 4 गिलास दूध। तो देख सकते हैं मैं 4 कप दूध डाल देती हूँ, क्योंकि आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप उतने लोगों के हिसाब से इसमें दूध डाल सकते हैं। तो हल्का सा इसमें चीनी डाल के हम इसे गरम कर लेते हैं। तो इसे गरम करते हैं, उसके बाद करते हैं आगे का कार्यक्रम। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स काट लेती हूँ, तब तक का दूध गर्म होता है, तो तब तक मैं फ्रूट्स काट लेती हूँ यहाँ पे। तो फ्रूट में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही, आप चाहे तो और चीज़ें भी डाल सकते हैं। फ्रूट में मैं डाल रही हूँ पपीता और केला, तो मैं इसे काट लेती हूँ पहले। तो मेरे फ्रूट्स यहाँ पे कट के तैयार है, देख सकते हैं मैंने पपीता और केला काट लिया है। तो साथ ही मैं दूध को गरम कर लेते हैं। इसे हल्का सा गरम करने के बाद हम इसके ऊपर से मिलाएंगे कस्टर्ड पाउडर, जो हमने कस्टर्ड को पानी में घोल के मिला रखा है, क्योंकि अगर हम ऐसा डालेंगे तो दाने दाने से हो जाते हैं, तो इसलिए हमें पानी में घोल करके ही मिलाना है उसे। तो हम इसमें कस्टर्ड पाउडर को पानी में घोल के मिला लेते हैं, आप चाहे तो दूध में भी मिला सकते हैं, हमने पानी में मिला रखा है। तो इसे हम अच्छे से हिलाएंगे, थोड़ा इसे पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा गाढ़ा होना ज़रूरी है कस्टर्ड बनाने के लिए। तो हम इसे अच्छे से पका लेते हैं कुछ देर के लिए। तो इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो इसे मैं अच्छे से पहले पका लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया, शायद अभी पका नहीं है। ये हमारा कस्टर्ड पाउडर जो मैंने मिला रखा है पिंक वाला, तो आप चाहे कोई सा भी मिला सकते हैं। तो ये हमारा कस्टर्ड पाउडर जो मैंने इसमें घोल के मिला रखा है, तो आप चाहे बहुत ज़्यादा भी मिला सकते हैं, आप जितना गाढ़ा चाहे। तो अगर आपको लग रहा है कि पतला है तो आप इसमें और कस्टर्ड पाउडर घोल के मिला सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना आपको गाढ़ा या पतला खाना है या जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हल्का सा गाढ़ा दिखने लग गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें अब हम डाल देंगे फ्रूट, तो ये सारे फ्रूट डाल देते हैं। इसके बाद हम इसे फ्रिज में रख लेंगे, जब हमें खाना हो तो हम निकाल के खा सकते हैं। और ये हमारा कस्टर्ड बन के तैयार है, आप चाहे तो और भी फ्रूट मिला सकते हैं। तो मैं इसमें अभी 2 ही फ्रूट मिला रही हूँ, फ्रूट कुछ ज़्यादा मिला दिए हैं हमने, आप चाहे तो कम भी मिला सकते हैं, और भी ज़्यादा फ्रूट अलग अलग मिला सकते हैं। तो हमने 2 ही फ्रूट मिला रखे हैं और कस्टर्ड हमारा बनके तैयार है, देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड बनके तैयार है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख लेते हैं, उसके बाद जब ठंडा होगा तो उसके बाद आप आराम से खा सकते हैं इसे। तो दोस्तों, ये था हमारा कस्टर्ड, जो छोटा सा हमने कम ही फ्रूट्स डाल के बनाए थे और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी और खा था। एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक नए ब्लॉग में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।